गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर प्लांट्स आवर फ्रेंड ओके सो मैंने आपको बताया था प्लांट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं उनके यूजेस बताए थे और uh, क्या बोलते हैं आप किन चीजों से क्या बनाकर कैसे यूज कर सकते हो प्लांट के पार्ट्स को भी सो नाओ विल डू द एक्सरसाइज दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है स्ट्रेट ग्रो करने के लिए किसी जरूरत होती है ट्रीज को क्लाइंबर्स को और श्रब्स को क्लाइंबर्स को वी ईट द रूट ऑफ दिस प्लांट इस प्लांट की हम रूट खाते हैं तो रूट किसकी हुई कैरेट एप्पल और राइस राइस एक सीड है एप्पल एक फ्रूट है तो क्या बचा कैरेट तो कैरेट एक रूट है ओके जूस फ्रॉम द कीकर ट्री इज यूज टू मेक जो कीकर ट्री से जूस निकलता है उस जूस का हम यूज कहां करते हैं हम गम बनाने में उस जूस का यूज करते हैं ओके और जूट से जो मिलता है उससे हम क्लोथ बनाते हैं टी से आप टी बनाते हो चाय बनाते हो अपने लिए ओके हु आई एम यू हैव टू टेल मैं कौन हूं ओके आई हैव अ थिन एंड हार्ड स्टेम मेरी जो स्टेम है वो बहुत ही थिन और हार्ड है आई हैव मैनी ब्रांचेस मेरी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं कौन हूं मैं श्रब क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिन है अगर थिक होती तो वो क्या होता ट्री होता लेकिन यहाँ पर थिन है तो ये श्रब हुआ आई हैव अ वेरी वीक स्टेम मेरी जो स्टेम है वो बहुत ही ज्यादा वीक है आई ग्रो अलोंग द ग्राउंड और मैं ग्राउंड के साथ साथ ग्राउंड के अलोंग में ग्रो करता हूं कौन है ये क्रीपर ये क्रीपर जो है वो अलोंग द ग्राउंड ग्रो करता है आई एम मेड फ्रॉम बैम्बू मैं बैम्बू से बना हूं यू राइट ऑन मी और आप मुझ पर लिखते हैं हु इज दिस ये दिस इज अ पेपर ओके पेपर पे आप लिखते हो और ये टाबू ट्री से बनना होता है आई एम यूज टू कुक फूड मैं खाना बनाने के लिए यूज होता हूँ इसका आंसर ऑयल भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है ऑयल क्यों खाना बनाने में आप ऑयल का यूज करते हो वुड क्यों फायर वुड का यूज आप यूज करते हो इसलिए वुड भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है राइट द नेम ऑफ एनी टू ट्री श्रब एंड हर्ब्स ट्री में मैंगो बनाना ट्री श्रब में रोज है ना हिबिस्कस और हर्ब्स में तुलसी एलोवेरा ये सब हर्ब्स हो गई वाई डू क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू स्टैंड वाई क्लाइंबर को सपोर्ट की जरूरत क्यों होती है बिकॉज क्लाइंबर खुद से ग्रो नहीं कर सकता वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है हाउ आर फाइबर यूजफुल टू अस फाइबर कैसे यूजफुल होते हैं फाइबर से हम क्लोथ बनाते हैं इसलिए वो हमारे यूजफुल होते हैं राइट द नेम ऑफ फाइव थिंग्स नाम बताइए आप कुछ भी बना बता सकते हो वुड से टेबल बना होता है चेयर बना होता है है ना और और मेडिसिन बनी होती है, है ना शेल्टर भी आपका वुड से बना होता है बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप वुड से बनाते हैं है ना सो दिस इज डन विद चैप्टर नाउ हैव अ ग्रेट डे